नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित 5 दिवसीय ललित कला महोत्सव का अवलोकन मंगलवार को महात्मा गांधी इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हुई। ललित कला महोत्सव का अवलोकन मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक कॉलेज के प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह ने दीप प्रज्वलित करके किया। ललित कला महोत्सव में विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ललित कला महोत्सव में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह, प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रदीप नारायण, डॉक्टर शैलेश कुमार श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य सुमन आर्य, सचिव मंकेश्वर नाथ पांडे, पूर्वी नारायण पांडे, जेके वर्मा सहित संचालन समिति के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह ने कहा, सबसे पहले मैं सरस्वती का उनके टीम प्रबंधक मंच को सुशोभित करते हुए हमारे की अर्चना सर, ये स्मार्ट सिटी है सर, मतलब सिटी में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मेट्रो आता है और सर ये नीचे सर, वी आर विजुलाइजिंग ग्रेविटी विच हैव इन स्पेस रिजर्वेशन स्पेस एंड विच इज मोशन ऑफ द स्पेस वी आर टेकिंग दिस बॉल एज प्लैनेट एंड दिस वी आर टेकिंग दिस ब्लैक मास एज सन एंड दिस क्लॉथ एज स्पेस सो नाउ आई प्रोवाइड दिस बॉल एज इलेक्ट्रिसिटी एंड सी द मोशन विद मोशन वर्क आउट हियर सो एज वी कैन सी इट इज मूविंग इन somehow elliptical motion and same happens in space but you can see that there is large it is for like due to friction there is an obstruction so it doesn't follow law of inertia यहाँ से हट जाए जब तक मुख्य अतिथि एवं जेडी साहब इसको देख रहे हैं तब तक थोड़ी देर के लिए आप बच्चों मेरा साठ का पॉइंट है मूवमेंट है। ये मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर रोबोट है जो सारे काम कर सकता है जैसे ग्रास कटिंग सीडलिंग एंड इरिगेशन प्लगिंग एंड इरिगेशन वी हैव मेड एन ऐप बाय विच वी कैन वर्क ऑल द फंक्शंस कला महोत्सव के मुख्य संयोजक संचालक श्री संजय कुमार श्रीवास्तव जी आप बढ़िया से भी मंच पर आ गए। श्री संजय कुमार श्रीवास्तव कल्टीवेटर हाइड्रोलिक एयरपोर्ट पर प्लगिंग जो भी बच्चे प्रोजेक्ट अभी देख रहे हैं थोड़ी देर के लिए ये यहाँ लोग प्रदर्शनी और क्विज कंपटीशन बच्चों के में लगाया जा रहा है जो एक 4 दिन 5 दिन जो है चलने वाला प्रोग्राम है। कोई भी शिक्षण संस्थान बेसिकली जो नॉलेज जनरेशन होता है जनरेट करता है उसको एक्वायर करता है और डिसमिनेट करता है। तो क्लास में आप देखेंगे बच्चों को पढ़ाया जाता है तो नॉलेज उनको एक्विजिशन बच्चे करते हैं फिर उसको आइडिया लेकर के जनरेट करके आप देखिए वो डिसमिनेट कर रहे हैं जो मतलब प्रसारित कर रहे हैं। इससे बच्चों की नॉट ओनली क्लास उनकी टोटल पर्सनैलिटी इम्प्रूव करते हैं जो आजकल
जरूरत है, क्लास रूम से नॉलेज लेना आजकल सफिशियंट नहीं है। ये जो नॉलेज देखने से बच्चों की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, इसके साथ साथ स्पोर्ट भी करते हैं, ये सब चीज़ ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए किसी भी छात्र का ये सबसे बड़ा जरूरी है। और इससे बच्चों में एक्साइटमेंट आता है, उसमें सोचने की तार्किक शक्ति आती है, जो बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में अगेन बहुत सहायक होता है। ये बहुत पुराना संस्थान है और ये हर साल ये करते रहते हैं, एंड मैं इनकी पूरी शुभकामनाएं देती हूँ, संस्थान का देता हूँ कि ये फिर से ऐसे करते रहें और बच्चों को मतलब उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने में सहायता करते रहें। धन्यवाद।